हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन का पार्ट 10 लेकर आया हूं, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपका एक नंबर तो पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। ओके, और अगर आपने बाकी के 9 पार्ट नहीं देखे हैं, 1 to 9 पार्ट्स, तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें भी देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली दोस्तों। 9 पार्ट मतलब समझ रहे हो, 30 क्वेश्चन, तो 9 × 3 = 27, 270 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन अभी के, तो आपके पास 300 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा टॉप क्लास के। ओके, तो उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगज़ेब ने किसको भेजा था? तो दोस्तों, उनका नाम है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को भेजा था, किस लिए भेजा था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगज़ेब ने भेजा था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगज़ेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो भैया एक बार फिर से, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगज़ेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो उनका नाम था शाइस्ता खान। क्या था? शाइस्ता खान। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों शिवाजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भैया, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा दोस्तों। ठीक है, फोर्थ देखिए, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा, तो क्या नाम था उनका पत्नी का नाम? ताराबाई, है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिफ्थ वाला देखिए, शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था, कब हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये सन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आजकल आते हैं। ठीक है, जैसे पहला बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में हुआ था। फिर एक हुआ था 1761 में। तो इस तरीके के सन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, अब शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। सेवन्थ, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो उनका नाम था फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों। एट्थ, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो भैया नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी वाली, तो वहाँ से है ये क्वेश्चन, है ना। नाइन्थ वाला देखिए दोस्तों, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, वो हुआ था 1761 में, और कौन कौन के बीच में लड़ाई हुई थी? अहमद शाह अब्दली और मराठों के बीच में, लेकिन जीता कौन था? अहमद शाह अब्दली जीत गया था और मराठा लोग हार गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पर कौन शासक था? दिल्ली का शासक उस टाइम पर था शाह आलम द्वितीय। कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेंथ, प्रथम एंगल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो भैया ये सालबाई की कोई संधि थी, उससे एंगल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये देखिए, इलेवंथ, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? एक बार फिर से, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है दोस्तों? फोर्ट विलियम। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, कलकत्ता में कौन सा अंग्रेजों ने दुर्ग बनवाया था? ठीक है, तो उसका नाम है फोर्ट विलियम। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी भैया सूरत में की थी। अब ये सूरत कहाँ है, ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा, है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि बताएं आप इसको, छोटा है लेकिन बताइए। ठीक है, अब देखो 14th, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भैया भारत में जो डच लोग आए थे, डच लोगों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था मसूलीपट्टनम, है ना। अब देखो, मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं कि सूरत कहाँ है
अब ये भी पूछ रहा हूँ कि मछलीपट्टनम भी कहाँ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए और बुद्धिमान कहलाइए और अपने आप को प्रूव करो कि आपको नॉलेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दें क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे। अब देखिए 15th, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाज़ार में दी गई थी, यहाँ कासिम बाज़ार में फैक्ट्री बनाओ और अपना काम करो, है ना। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप बार बार रिवाइज़ करके इसको प्रॉपर याद कर लेंगे और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, है ना। 16th देखिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? सोच रहे हो आजकल दहेज में गाड़ी घोड़ा मिलता है, लेकिन इधर बम्बई मिल गई भाई को। तो ये पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी करने से इनको बम्बई दहेज में मिल गया था। किसको मिल गया था? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स 2। 17th, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जाता है पुर्तगालियों को। क्यों जाता है? क्योंकि पुर्तगाली लोग आए थे और भारत की खोज करी थी। और पुर्तगाली में कौन था? पोर्टुगीज, वास्को डी गामा। नाम सुना है अपना, कितना फेमस बंदा है ना। ये देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, रेलवेज, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इनका नाम है जमूरिन। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कौन था? पोर्टुगीज था, पुर्तगाली यात्री था, का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम है जमूरिन, है ना, इम्पोर्टेंट है। 19th वाला देखिए दोस्तों, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। 30 क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको 300 क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, 30-30 क्वेश्चन के पार्ट में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप भूलें ना और 30 क्वेश्चन को फोकस के साथ पढ़ पाएँ, है ना। क्योंकि अपन को 100 चीज़ इकट्ठी नहीं पढ़नी है, लेकिन अपन 10-20-15 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन इट्स नॉट अ बिग डील, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? सबसे पहले आए थे भैया पुर्तगाली और सबसे बाद में भी गए थे, तो पुर्तगाली, ये क्वेश्चन था। 21 देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क, ठीक है। 22 देखिए, अब गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो सन पूछा है कब की गई थी, 1699 में, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो, खालसा वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और मैं चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सिख गुरु हैं ना, पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि सिख लोगों में ऐसा पाँचवा गुरु कौन सा था, तो उस टाइम पर मुझे याद नहीं था कौन था, तो अगर आपको पता है तो बताइए आप, है ना। ये देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोबिंद ने किया था। ये गुरु गोविंद ऊपर वाला है, ये हरगोबिंद है। गुरु गोविंद वाला कौन सा है? खालसा वंश की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोबिंद ने। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, इनको सेपरेट याद रखना, है ना, ठीक है। अब देखो 25, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भैया गुरु नानक जिनको मानते हैं, बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया है, उनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी, ठीक है। 26 देखिए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? मतलब गुरु नानक के बाद कौन आया? तो गुरु नानक के बाद आया गुरु अंगद। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन भी, क्योंकि गुरु नानक के बारे में तो सबको पता है, लेकिन गुरु नानक के बाद कौन था उत्तराधिकारी? गुरु अंगद। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? तो उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था दोस्तों? गुरु अर्जुन देव। ये क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो, आपका एक नंबर भी बढ़ेगा ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरा गोल अचीव हो जाएगा,
क्योंकि मेरा गोल ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, आपकी ग्रोथ हो, आपकी हेल्प मिले और आप खुश रहें, और मतलब आपकी हेल्प मिलेगी तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा, अल्टीमेट बात यह है। ठीक है, ये देखिए 28 रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को कहा जाता है ना। एक बार फिर से, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है, वैसे तो उसकी राजधानी लाहौर थी। 29 किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह के का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। किस गवर्नर जनरल ने रोपण, रोपण एक जगह थी, मैं रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो उनका नाम है विलियम बेंटिक ने किया था भैया, रणजीत सिंह का। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनल इंपॉर्टेंट है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था। क्या था? शहादत खां। तो गाइस, मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार प्रॉपर पक्का देखें, तब जाके आपको याद होंगे, क्योंकि इसमें से 30 के 30 मैंने पढ़ा जरूर दिए हैं, लेकिन आप 2-4 भूल गए होंगे, तो रिवीजन करेंगे तो उनके दिमाग में आपके बैठ जाएंगे, और ऐसे करके आपकी ग्रोथ होगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ओके, अगर मेरा वीडियो सच में अच्छा लगता है दोस्तों, तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, और अपने आप को प्रूव करें कि हाँ आप पढ़ने वाले बच्चे हो। और भैया सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अगली बार अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी, और आपके पास कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और आप ईमानदारी से पढ़ पाएंगे। ओके दोस्तों, मेरी यही मतलब इच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ें और सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड नेवर एवर गिव अप। ओके, इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें ध्यान रखना।